करें कि क्या अब तक कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या कंडीशन है? देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, आज स्थिति बेहतर है क्योंकि बारिश मॉडरेट है, कुछ जगहों पर मौसम साफ भी है। जो रिवर्स वहां पर हैं डेंजर लेवल से ऊपर हैं, मगर अभी राइजिंग ट्रेंड नहीं है बल्कि पानी अभी घट रहा है। कुछ एरियाज हैं जो कट ऑफ हैं, खासकर मनाली एरिया है और लाहौल स्पीति में जो टूरिस्ट वगैरह जहां पर कुछ फंसे हुए हैं उनकी सूचना मिली है। तो ये अभी एक फोकस एरिया हमारा है कि जो रास्ता अभी बंद है उसको खोला जाए और तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाए। जो टीम्स हमारी हैं स्टैंड बाई में है, अभी 14 टीमें लगी हुई हैं वहां पर और स्टैंड बाई में टीमें खड़ी हैं। पंजाब में आज मौसम साफ है, कुछ जगहों पर जैसे रूपनगर है, पटियाला है, इन जगहों पर थोड़ा सा अभी पानी ज़्यादा है और चूंकि एम्बैंकमेंट के टूटने से यमुना का और घाघरा का जो पानी आ रहा है उससे अभी समस्या थोड़ी बनी रहेगी। हमारी कुल 14 टीमें वहां भी तैनात हैं और स्टैंड बाई में भी अभी टीमें हैं। हो सकता है कि कल और भी टीमों की जरूरत पड़े, उसकी तैनाती की जाएगी। सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है, जो स्टेट के एजेंसीज हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्थिति ठीक है। जो मौसम की सूचना है वो ये है कि बारिश वहां होगी, अगले 2-3 दिन में बारिश उत्तराखंड में, यूपी में, दिल्ली में होने की संभावना है। उत्तराखंड और लेवल जो डेंजर लेवल है उसको यमुना का क्रॉस कर गया है वाटर लेवल, तो दिल्ली में और उत्तराखंड में क्या टीम डिप्लॉयमेंट किस हिसाब से है और रिजर्व में भी क्या टीमें रखी गई हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में हमारी टीमें रिजर्व में हैं, मौजूद हैं और दिल्ली में जो सिचुएशन है उसको हम आकलन कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। जो खास तौर पर जो फ्लड लेवल है वो राइज करने पर एम्बैंकमेंट के एरियाज में जो लोग रहते हैं अगर उनको निकालने की इवैक्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी तो वो कार्रवाई के लिए एनडीआरएफ तैनात है। इन तीनों राज्य चारों को छोड़कर बाकी अक्रॉस अगर अक्रॉस इंडिया की बात करें कहां कहां डिप्लॉयमेंट, टोटल डिप्लॉयमेंट हमारी कितनी है, ब्रेकअप के हिसाब से अगर आप बता सकते और रिजर्व कितनी टीम है हमारी? देखिए, ये जो अभी जो थ्रस्ट एरिया बताया हमने, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें हमारी 39 टीम्स यहां पर डिप्लॉयड हैं पूरी और एडिशनल टीम्स भी रिजर्व में रखी गई हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ इंडिकेशन आया है बारिश होने का, वहां पर भी हमारी टीम्स अलर्ट हैं। बाकी जगह स्थिति सामान्य है अभी। कितने लोगों को, चूंकि ब्यास रिवर में आप लोगों का बहुत बढ़िया रोल था, और कितना नुकसान का कुछ अगर अंदाजा लग पाए? इवैक्यूएशन बहुत ही मैसिव स्केल पर हुआ है, स्टेट एजेंसीज के साथ, एसडीआरएफ के साथ, इवन आर्मी के कॉलम्स भी कल लाए गए थे पंजाब में, मोहाली में, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है और काफी लोगों को इवैक्यूएशन किया गया है और ये कार्रवाई जारी है अभी। थैंक यू सो मच।